दोस्तों एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी विंता पुत्र गरुड़ उस स्थान पर आ जाते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर अनेक मनुष्य नित्य स्नान करते हैं, किंतु फिर भी दुखी ही रहते हैं। उनके दुखी रहने का क्या कारण है? हे प्रभु, आप मुझे बताएं कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? मेरे मन में इन सभी प्रश्नों को जानने की इच्छा निर्माण हो रही है। वह माँ लक्ष्मी से भी पूछते हैं, हे माता, मैंने ये भी देखा है कि अनेक महिलाएं नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती है, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता है, इसका क्या कारण है? गरुड़ जी द्वारा इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षी राज, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और मनुष्य पूजा पाठ आदि कर्म करने के पात्र बनता है। इसीलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई है, जिसे सभी मनुष्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए आप सभी इस कथा को पूरा जरूर सुने, आधा अधूरा ज्ञान अनर्थ का कारण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षी राज, प्राचीन काल की बात है। मध्यदेश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहां पर एक धनवान सेठ रहता था, जिसकी तीन पुत्रियां थी। सेठ ने अपनी पुत्रियों को कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। उसने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उसकी पुत्रियां बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। एक पिता का जो जो कर्तव्य होता है, वह सभी उस सेठ ने पूर्ण किया। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया, लेकिन उसने केवल एक गलती की। उसने अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उसकी पुत्रियों के पास वो नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। फिर जब उसकी तीनों पुत्रियां जवान हुई तो सेठ ने उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। तीनों के पति बड़े बड़े व्यापारी थे और सभी राजमहल में रहने के लिए चली गई। जैसे ही तीनों रहने के लिए अपने घर चली गई, वहां पर उनका भव्य दिव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की सभी रस्में की गई। उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही मौज से रहने लगी। तीनों सुबह देर से जगती थी, देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थी और कभी कभी ही पूजा पाठ किया करती थी। उनकी सास ने उन्हें कई बार टोका, लेकिन किसी ने अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगी। तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका सारा व्यापार डूबने लगा। दूसरों से कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चलाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिससे घर में क्लेश होने लगा। बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे। जब से ये तीनों उन घरों में रहने के लिए चली गई थी, तभी से उनके घर में संकट आने शुरू हो गए थे। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसे की इतनी तंगी हुई कि उन्हें अपना घरदार सब कुछ बेचना पड़ा और वे सभी झोपड़ी में जाकर रहने लगे। लेकिन वे तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थीं, इसलिए वे अपने ससुराल को छोड़कर मायके में वापस आ गई और अपने पिता के साथ रहने लगी। अपने घर पर आकर भी उन तीनों की आदत नहीं बदली और घर पर आकर भी वह तीनों बहनें बड़े मौज से रहने लगी। वहां पर भी वे तीनों देर से उठती थी, देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थी, जिस कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा और उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन उनके द्वार पर भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके आ गए। सेठ ने उस साधु का प्रेम से स्वागत किया और उनके पैर धोकर उन्हें प्रणाम किया।
फिर सेठ ने उस महान साधु को अपना दुख बताया और उस पर निवारण करने के लिए उपाय पूछा। सेठ ने अपनी पुत्रिया को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में भी सारी हकीकत बता दी। जैसे ही उस साधु ने सेठ की तीनों पुत्रियों की तरफ देखा तो उन्हें सारी हकीकत पता चली। उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था जो उनके साथ ही चल रहा था। वे जहां पर भी जाती वह नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस सिद्ध साधु ने उस सेठ से कहा, तुम्हारी तीनों बेटियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इसी कारण से ये जहां पर भी जा रही है वहां पर केवल दुख और संकट आ रहे हैं। तुम्हारी तीनों पुत्रियां अत्यंत आलसी हैं। ये देर से जागती है, देर से स्नान करती है, बिना स्नान की यही भोजन करती है और यही वजह है कि उनके जीवन में ये संकट आ रहे हैं। फिर उस साधु ने उस सेठ को और उनकी पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उसका नित्य पालन करने के लिए कहा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, स्नान के चार प्रकार होते हैं, ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक डेढ़ या दो घंटे पहले का समय होता है, यानी कि साधारणतः सुबह 4 से 5:30 तक का समय। शास्त्रों में ये समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। ये समय देवताओं का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य का तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ब्रह्म स्नान करने पर मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है, उसका शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई शरीर से बाहर निकल जाती है। इस तरह देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस समय पर स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य को सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। ये भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। तीसरा है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। ये स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। किंतु मनुष्य को कभी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित होता है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवीय शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है उसके साथ दुर्भाग्य चला आता है। तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती थी, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और अब तुम्हारी भी धन संपत्ति नष्ट हो रही है। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं उनके मन में दिन भर क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में मुश्किलें आ सकती है। इसलिए प्रतिदिन ब्राह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे अंदर से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है
और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। संध्या काल और रात्रि के समय अत्यावश्यक ना हो तो बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हें स्नान करते समय बोले जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसलिए तुम इसे ध्यान से सुनो। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वह मंत्र इस प्रकार है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का अर्थ है कि गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियों, आप सभी कृपया करके मेरे स्नान करने के इस जल में पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण से सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उस सेठ को स्नान का महत्व बताया। फिर सेठ की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गई। वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने के लिए चली गई और भगवान विष्णु द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करने लगी और नित्य सूर्य को जल देने लगी। सुबह नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया और वह नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें फिर से वापस मिल गया और तीनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जीवन में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है, इसीलिए हमें रोज सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ होता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताया है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।